विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार में हर त्यौहार की शुरुआत सबसे पहले होती है दिवाली पर। ऐसे तो 12 महीने ही बाबा की भस्म आरती चर्चा देश विदेशों में होती है, लेकिन उज्जैन में दिवाली का पर्व को लेकर काफी हर्षोल्लास से पुजारी वर्ग की महिलाएं ने सुबह यहाँ बाबा को उद्दन और हल्दी चंदन से अभिषेक करा। उसके बाद महिला द्वारा बाबा की आरती करी गई। उसके बाद में बाबा को सही दूध शहद से स्नान कराया गया। राजाधिराज हैं महाकाल भगवान का, जो उज्जैन के ऊपर कृपा है और सारे भक्तों पे कृपा है। वर्ष का ये प्रथम उत्सव होता है, क्योंकि आज से तो वर्ष भी हमारा माना जाता है। कार्तिक महीना जो होता है उससे नया वर्ष भी प्रारंभ होता है, और भगवान को रूप चौदस के दिन भगवान की विशेष पूजा है, जहाँ पे भगवान का स्वरूप और विशेष निखारा जाता है, उपटन लगाया जाता है। जो 16 पुजारी परिवार है और जो वंशानुसार परिवार है, आज हमारी खुटपाती वालों की भस्म आरती सेवा थी, उन्हीं की महिलाओं ने भगवान को उपटन लगा के महाकाल का रूप निखारा है और कपूर आरती भी की है। भगवान का यहाँ भोग भी किया जाता है, ये प्रतिवर्ष अन्नकूट के नाम से जाना जाता है। जो भगवान का भोग चलता रहता है, लेकिन ये परंपरागत अन्नकूट है। फुलझड़िया जलाकर दीप महोत्सव भी मनाया गया है, और बड़ी उत्साह से भगवान महाकाल की आरती पूजा सेवा करते हुए आज दीप उत्सव का पर्व मनाया। यहाँ से भगवान महाकाल के कृपा से सारे उज्जैनवासी और सारे देश के शिव भक्त स्वस्थ रहे, मस्त रहे, यही शुभकामना आपके माध्यम से और भगवान का आशीर्वाद पहुँचाते हैं। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। आज दीपोत्सव बाबा के दरबार से हमने शुरुआत की, बहुत ही आनंद आया, बहुत अच्छी आतिशबाजी हुई, बाबा को उपटन लगाया गया, बाबा का अद्भुत श्रृंगार हुआ और बहुत ही आनंद आया इस पर्व में बाबा के साथ। जय श्री महाकाल।